लो जी इलेक्शन की तारीख आ गई, बड़ी खबर आ गई इलेक्शन की। दोपहर को हमने बड़ी खबर यही आपको 11 फरवरी बताई थी और अब नई डेट आई है जी, 3 दिन जरा घटा लो। सदर ने किया यार, मेरी भी तो कोई इज्जत है, हैं? पहले कह रहे सन जी, सदर ने कहा जी कि मैं ये डेट नहीं मानूंगा, 8 ये 11 फरवरी वाली डेट मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई इज्जत है। इसके ऊपर एक लतीफा याद आ रहा है, उन्होंने कहा जी कि देखे 3 दिन बीच में कम हुए, क्या हुए 11 फरवरी को हो जाते या 8 को यार। तो ये क्या लतीफा क्या हुआ है, कहता जी एक बंदा बड़ा पेटू सी, खाण पीण का उन्होंने बड़ा शौक सी, उसके सामने उन्होंने ना 20 रोटियां रख दती। तो वो कहता है यार तुसी मैनू एडा पेटू समझा हो, चुको विचों एक रोटी चुको। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी थी 11 फरवरी, सदर मुमलिकत ने कहा जी ऐ मैं नहीं मानता, मेरा भी कोई वजन है, चुको विचों 3 दिन कटो ते 18 फरवरी जी। वाह सदर पाकिस्तान ते तुझे भी मान गए, आज एक डेट उन्होंने दे दी थी, 3 दिन का क्या फर्क पड़ता है, या तो अपनी जिद में आ रहा फिर महीना पहले इलेक्शन करवा। बहरहाल ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको हम दे रहे हैं, ये इधर चल रही है, ये देखें 8 फरवरी जी कराने पर इत्तफाक, इलामिया जारी हो गया है जनाब। ये सदर ममलिकत और चीफ इलेक्शन कमीशन के दरमियान इत्तफाक कराए और 8 तारीख को आम इंतखाबात कराए जाएंगे, 1 तारीख को बनती है जुमेरात, बस ये इतवार की बजाय जुमेरात जी इलेक्शन हो जाएंगे, जुमेरात को कौमी छुट्टी होगी और फरवरी में इलेक्शन होंगे। ठीक है जी, कोई बात ही नहीं यार, पानी मथाणी इन्होंने मारा है, इशू बनाए हुए सुबह का, ये हम भी आपको पता है बार बार ये बातें बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, अब क्या तय हुआ है, अभी अभी ये तय हुआ है, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं कि 8 फरवरी बरोज जुमेरात कौमी इलेक्शन जो है वो उसके ऊपर इत्तफाक हो गया है, सदर का भी और इलेक्शन कमीशन के भी, और सुबह वो ये बयान जो है वो उधर देंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर देगी। तो जनाब पूरी कौम को 8 फरवरी की मुबारक हम पेश करते हैं, 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है जी, 8 फरवरी नु की होना है, इंशाल्लाह मियां दे नारे वजने ही वजने ने। ठीक है, 8 फरवरी जदों आएगी ते लग इन्हां नु पता जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।